गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट थर्ड चैप्टर ऑफ टेंथ फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी। वी विल डिस्कस इट्स डिफरेंट टॉपिक्स इन क्लासरूम। नो फर्स्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज? पहले आपको मैं इलेक्ट्रिक चार्ज बता दूं कि क्या होता है। जैसे आप एक कम्ब लो तो उसके पास आप स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर रखो तो वो उसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप कंब को क्या करो, ड्राई हेयर के साथ रब करो, रब करने के बाद उसे स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर के पास रखो तो वो स्मॉल पीसीज ऑफ पेपर को क्या करना शुरू कर देगा, अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ये जो प्रॉपर्टी है अट्रैक्शन या रिपल्शन की, ये किसके कारण होती है? इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मतलब है कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में अपना इन्फ्लुएंस शो कर सकती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर थ्रू विच इट इन्फ्लुएंसेस इट्स इफेक्ट इन इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो अपना इफेक्ट शो कर सके सब्सटेंस की, वो प्रॉपर्टी जिसमें सब्सटेंस अपना इफेक्ट शो कर सके, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये दो टाइप का होता है। कितनी टाइप्स होती हैं इसकी? टू टाइप्स। फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वन इज नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो है, ये जो चार्ज ऑन सब एटॉमिक पार्टिकल होता है, जैसे प्रोटॉन पे चार्ज ऑन प्रोटॉन जो होता है ये पॉजिटिव होता है। कौन सा होता है? पॉजिटिव। चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा यूनिट चार्ज का, पहले चलो यही बता देता हूं। जो ऐसा यूनिट होता है चार्ज का वो है कूलम। ठीक है, चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। और नेगेटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन पे होगा। मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं, डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, तो ये भी है नेगेटिव 1.6 × 10⁻¹⁹। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ओके, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी दो टाइप्स। अब है कि जो लाइट चार्जेस होंगे वो कौन कौन से होंगे? पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव। यानी कि जिनको आप सेम बोलोगे वो होंगे लाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस कौन से होंगे? पॉजिटिव नेगेटिव। तो जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, वो एक दूसरे को करते हैं रिपेल। क्या करते हैं? रिपेल। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, दीज आर लॉज ऑफ चार्जेस भी आप कह सकते हो, कि अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, सॉरी अट्रैक्ट करते हैं, और सिमिलर चार्जेस या लाइक चार्जेस जो हैं वो रिपेल करते हैं। ये आ गया हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, ये चार्ज जो है बॉडी के अंदर, मतलब स्टैटिक भी हो सकता है और फ्लो भी कर सकता है। अगर ये बॉडी के अंदर रेस्ट में है, यानी कि व्हेन चार्ज इज इन रेस्ट, बॉडी के अंदर है लेकिन रेस्ट में है, तो इसको जो इससे इलेक्ट्रिसिटी बनेगी उसको बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी आपको काम की। अभी काम के अंदर कोई चार्ज फ्लो नहीं कर रहा, यानी कि कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं हो रही, उसको हम बोलेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर चार्ज है लेकिन वो स्टैटिक है, यानी कि रेस्ट में है। अब क्या होगा जब चार्ज एक पॉइंट से, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में क्या करेगा?
फ्लो करेगा, ठीक है, फ्लो करेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, इसको हम बोलेंगे स्टैटिक की जगह बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, क्लियर हो गया कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, चार्ज क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स,